अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद कमल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ट्रेडिशनल आलू समोसा, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। मेरी रेसिपी को फुल लेंथ तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से सिखाएंगे। आप लोग मेरी रेसिपी को फुल देखा करें और फीडबैक देना ना भूला करें। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हम लोगों को 2 कप मैदा चाहिए। आधी चम्मच हम लोग नमक की लेंगे, आधी चम्मच कुटा हुआ जीरा लेंगे, 2 से 3 चम्मच हम ऑयल की लेंगे। अब अच्छे से इन सब चीजों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम लोगों ने इसमें ऑयल और नमक मिक्स कर लिया हुआ है। ये देखें, जैसे ही मुट्ठी बने तो हमारा ये बिल्कुल मिक्स हो चुका हुआ है। अब इसे हम लोग सख्त डो को तैयार कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको गूंदिएगा। अच्छे से हम लोगों ने ये देखें डो को तैयार कर लिया हुआ है। बहुत सख्त डो गूंदी है मैंने, ये देखें। अब इसे ढक के, ऑयल लगा के ढक के रख देंगे। एक पैन रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम कर लेंगे। इसमें 2 से 3 चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। एक छोटे साइज की प्याज लेंगे, जिसे मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, उसे ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट हम लोग सिर्फ प्याज को पकाएंगे। प्याज को मैंने 1 से 2 मिनट पका लिया हुआ है। इसे कलर नहीं आना चाहिए, ट्रांसलूसेंट ही रहना चाहिए इसका कलर। तकरीबन 1/2 किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। इन्हें अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। अब इन्हें हाथों की मदद से हम लोग मैश करके ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मैश करके मैंने हाथों की मदद से, जितना हो सकता आप हाथों की मदद से इसे मैश कर लें। अब इसमें हम लोग स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, साबुत धनिया को अच्छे से कूट लें, 1/2 चम्मच कुटा हुआ जीरा लिया है, 1/2 चम्मच हम लोगों ने कसूरी मेथी ली है, 1 चम्मच नमक की ऐड करेंगे। अब सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ जितने मोटे मोटे आलू हैं उनको भी हम लोग मैश करते जाएंगे। अच्छे से सारे मसाले को मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। अब इसमें हम लोग हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़ा सा अनारदाना डालेंगे, तकरीबन 1/2 चम्मच। अच्छे से मिक्स करके इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसे थोड़ा सा हम लोग नीट कर लेंगे। अब इसके हम लोग पेड़े निकाल लेंगे। थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। देखें, अच्छे से मैंने इसे बेल लिया हुआ है। देखें, हमें इतना थिन रखना है इसको। अब हम लोग इसको स्केल की मदद से पट्टियां निकाल लेंगे। अब हम लोग ये साइड्स निकाल लेंगे। इस तरह हम लोग समोसे की पट्टी बना लेंगे। इस तरह पट्टी बनाने के लिए डो का सख्त होना बहुत जरूरी है। अब एक पट्टी लेंगे, इस कोने के साथ हम लोग इस कोने में मिलाएंगे इसको, यूं, और दूसरा कोने को यूं मिलाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग स्टफिंग डालेंगे। अब इसकी फिलिंग ऐड करेंगे अंदर, ये देखें। अब इसको उठा के हम लोग इसके साथ यूं मिला देंगे। अब ये एक्स्ट्रा हम लोग इसका कट कर देंगे। अब इस लेयर पे हम लोग पहले इसको थोड़ा सा हम लोग मैदा लगा लेंगे और ये देखिए साइडों से अच्छे से, ये देखिए
परफेक्ट हमारा समोसा तैयार है। इसी तरह हम लोग सारे तैयार कर लेंगे। तो लीजिए सारे हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं, अब हम लोग इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया हुआ था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों को इनको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन हमारे हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम लोग सारे फ्राई कर लेंगे। तो एकदम परफेक्ट हमारे आलू समोसा तैयार हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बिल्कुल बाहर की तरह हम लोगों ने बनाए हैं। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और ताकि बाहर के गंदगी से आप लोग घर में, बेहतर है कि आप लोग घर में बनाएं। तो मेरी रेसिपी को फुल एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। तो इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी तक मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।